हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहित और स्वागत है आपका एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल साइंस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे मसल्स ऑफ द ग्लूटियल रीजन के बारे में। ये जो है लोअर लिप का टॉपिक है, हमें पता है ग्लूटियल रीजन का, उसमें कौन कौन सी मसल्स आती हैं उन सबके नाम हम देखेंगे, उसके बाद हम उन सबकी नर्व सप्लाई देखेंगे और उसके बाद उन सबका एक्शन देखेंगे। तो इस वीडियो में हम ये तीन चीज़ें पढ़ेंगे, नेम ऑफ द मसल्स, उसके बाद नर्व सप्लाई ऑफ द मसल्स एंड द एक्शन ऑफ द मसल्स ऑफ द ग्लूटियल रीजन। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है मसल्स ऑफ द ग्लूटियल रीजन कई बार। तो ग्लूटियल रीजन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से पढ़ना। तो ये जो आपको सामने लिखा हुआ है, ये मैंने एक याद करने की ट्रिक बना रखी है। आप इसको इस तरह से याद कर सकते हो या फिर आप अपनी तरफ से भी कोई और ट्रिक बना सकते हो खुद की भी। मैंने जो बना रखी है वो ये है, M3 जो है उसने पिटाई कर दी G2 की, M3 ने पिटाई कर दी G2 की, ओ और क्यू मिलके उसको ऑपरेशन थिएटर लेके गए, OT लेके गए। तो M3 ने पिटाई की G2 की, ओ और क्यू उसको ऑपरेशन थिएटर लेके गए। ये मेरा इसको याद करने का तरीका है, या फिर आप इसको याद कर सकते हो, वो मैं एक और तरीका है वो मैं बाद में बताता हूँ। पहले हम नाम देखते हैं M3। सबसे पहली जो मसल आती है M3 में वो है ग्लूटियस मैक्सिमस, तो M से बन गया मैक्सिमस। नेक्स्ट जो मसल है वो है ग्लूटियस मीडियस, तो दूसरे M से बन गया मीडियस। थर्ड जो मसल है वो है ग्लूटियस मिनिमस। तो इन तीनों को मैंने एक साथ M3 में क्यों रखा है, क्योंकि इसी तरह इनको M से याद करोगे तो ज्यादा इजी रहेगा, मैक्सिमस मीडियस एंड मिनिमस, ग्लूटियस तो वर्ड आएगा ही इन तीनों में। उसके बाद P से बात करें तो P से है पायरीफॉर्मिस। इसको इसी सीक्वेंस में याद करना, इस सीक्वेंस में याद करोगे तो आगे बहुत ही इजी हो जाएगा ये ग्लूटियल रीजन। पी से है हमारे पास पायरीफॉर्मिस, ठीक है। उसके बाद है G2। G2 में दो G आएंगे, एक आता है गैमेलस सुपीरियर, और एक आता है गैमेलस इन्फीरियर। तो दो गैमेलस हो गए, सबसे पहले तीन ग्लूटियस पढ़ा, मैक्सिमस मीडियस मिनिमस, फिर एक पायरीफॉर्मिस, उसके बाद दो गैमेलस हैं, एक सुपीरियर और एक इन्फीरियर। उसके बाद जो ओ है उससे हमारा बनता है ऑब्टुरेटर इंटरनस, तो ओ से बन गया ऑब्टुरेटर इंटरनस। उसके बाद जो क्यू है, क्यू से हमारा बनेगा क्वाड्रेटस फेमोरिस। उसके बाद एक और ओ है, उससे फिर से एक और ऑब्टुरेटर मसल आएगी, ऑब्टुरेटर एक्सटर्नस। इंटरनस ऊपर आ चुकी है तो अब बच गई ऑब्टुरेटर एक्सटर्नस, ठीक है। देखो, मैक्सिमस मीडियस मिनिमस था, सुपीरियर का इन्फीरियर था, इंटरनस का एक्सटर्नस हमें मिल गया। तो ये सब इस तरह से थोड़ा थोड़ा देखते चलोगे तो याद इजीली हो जाएगा। लास्ट जो है वो है टी से टेंसर फेशिया लेटा। तो टोटल हमारे पास 10 मसल्स आती हैं ग्लूटियल रीजन में। तो ग्लूटियल रीजन में हमारे पास टोटल 10 मसल्स होती हैं। तीन है हमारे पास ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मीडियस, ग्लूटियस मिनिमस, फिर आएगी पायरीफॉर्मिस, फिर गैमेलस सुपीरियर, गैमेलस इन्फीरियर, उसके बाद ऑब्टुरेटर इंटरनस, उसके बाद क्वाड्रेटस फेमोरिस, फिर ऑब्टुरेटर एक्सटर्नस, और लास्ट में टेंसर फेशियल लेटा। तो इसको याद करने का तरीका था, M3 ने पिटाई करी G2 की, ओ और क्यू मिलकर उसको ऑपरेशन थिएटर लेके गए, ठीक है। एक और जो तरीका है इसको याद करने का वो है 3G P2G OQ OT। 3G यहाँ पे मैंने M की जगह G लिख दिया, ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मिनिमस, ग्लूटियस मीडियस, P से पैरिफॉर्मिस, 2G मतलब ये दोनों हो गए, OQ OT सेम है, तो 3G P2G OQ OT, इससे भी आप इसको याद कर सकते हो। तो ये इसी सीक्वेंस में इसको याद करना ज्यादा आपको आसानी रहेगी, पूरे ग्लूटियल रीजन में, पूरे लोअर लिम में ये आसान बना रहेगा। अब बात करते हैं इसकी नर्व सप्लाई की, इसके बाद आता है इसकी नर्व सप्लाई। तो नर्व सप्लाई एक एक करके सबकी देखते हैं। सबसे पहला है ग्लूटियस मैक्सिमस।
तो ग्लूटियस मैक्सिमस को सप्लाई करती है मैक्सिमस, लेकिन सप्लाई करती है कौन? इंफीरियर ग्लूटियल नर्व। ग्लूटियस मैक्सिमस को इंफीरियर ग्लूटियल नर्व। उसके बाद जो बचे दो, एक मीडियस और एक मिनिमस, इनको सप्लाई करती है कौन? सुपीरियर ग्लूटियल नर्व। तो इनको सप्लाई करती है कौन? सुपीरियर ग्लूटियल नर्व। सबकी रूट वैल्यू की बात अभी करेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं पायरीफॉर्मिस पे। तो पायरीफॉर्मिस को कौन सप्लाई करती है? इसकी जो नर्व सप्लाई है वेंट्रल रेमाई ऑफ S1 S2। देखो कहीं से भी कोई भी प्लेक्सस से नर्व्स जब निकलती हैं तो दो रेमाई बनते हैं, एक आगे की तरफ। देखो इस तरह मैंने ये ब्रैकियल प्लेक्सस में भी बताया था, ये मान लो प्लेक्सस ऑफ नर्व्स है। इससे अगर मसल मतलब नर्व्स निकलती हैं तो या तो आगे की तरफ आएंगी एंटीरियरली या पीछे की तरफ जाएंगी। आगे वाले को एंटीरियर रेमाई कहते हैं, पीछे वाले को पोस्टीरियर रेमाई कहते हैं, ठीक है। तो ये या फिर इसको आगे वाले को वेंट्रल रेमाई भी बोलते हैं। तो वेंट्रल रेमाई ऑफ S1 S2 सप्लाई करता है पायरीफॉर्मिस को। नेक्स्ट है गैमेलस सुपीरियर एंड गैमेलस इंफीरियर। इनकी बात अभी हम करते हैं, पहले हम चलते हैं ऑब्ट्रेटर इंटरनस पे। ऑब्ट्रेटर इंटरनस के नाम में ही इसकी नर्व का नाम है। तो इसको सप्लाई करती है नर्व टू द ऑब्ट्रेटर इंटरनस। कितना इजी है, कुछ याद ही नहीं करना, बस नर्व लगाना है आगे। नर्व टू ऑब्ट्रेटर इंटरनस क्वाड्रेटस फेमोरिस को करती है। इसका भी ऐसा ही हाल है। इसको कौन करता है? नर्व टू क्वाड्रेटस फेमोरिस। उसके बाद ऑब्ट्रेटर एक्सटर्नस की बात करें तो ऑब्ट्रेटर एक्सटर्नस में ऐसा नहीं है, इसको करती तो ऑब्ट्रेटर नर्व है, लेकिन नर्व टू ऑब्ट्रेटर ऐसे नहीं लिखेंगे इसको। इसको लिखेंगे पोस्टीरियर डिवीजन। ऑब्ट्रेटर नर्व की दो डिवीजन बनती हैं, एक एंटीरियर डिवीजन और एक पोस्टीरियर डिवीजन। तो ऑब्ट्रेटर नर्व की जो पोस्टीरियर डिवीजन है वो सप्लाई करती है ऑब्ट्रेटर एक्सटर्नस को। जब हम ऑब्ट्रेटर नर्व पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से डिवीजन समझ आएगी। अभी बस ध्यान रखना है ऑब्ट्रेटर एक्सटर्नस है तो ऑब्ट्रेटर वर्ड तो यहीं आ गया, तो ऑब्ट्रेटर नर्व करेगी उसकी पोस्टीरियर डिवीजन करेगी। लास्ट टेंसर फेशियल एटा को सेम ये दोनों ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस वाली यहां पे भी सप्लाई करती है। तो कौन आएगी? सुपीरियर ग्लूटियल नर्व। तो हमने क्या देखा, ग्लूटियस मैक्सिमस को इन्फीरियर ग्लूटियल नर्व कर रही है, ग्लूटियस मीडियस मिनिमस को सुपीरियर ग्लूटियल नर्व कर रही है। देखो ग्लूटियल वर्ड था तो यहां पे ग्लूटियल ही आया, इतने इससे याद हो जाएगा। पायरीफॉर्मिस एक अलग है बस, इसमें जिसमें अलग ही कुछ आता है वेंट्रल रेमाई ऑफ S1 S2। S1 S2 का वेंट्रल रेमाई इनमें सप्लाई करता है। उसके बाद ऑब्ट्रेटर इंटरनस को नर्व टू ऑब्ट्रेटर इंटरनस, क्वाड्रेटस फेमोरिस को नर्व टू क्वाड्रेटस फेमोरिस, ऑब्ट्रेटर एक्सटर्नस को पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ ऑब्ट्रेटर नर्व, और टेंसर फेशियल एटा को सेम सुपीरियर ग्लूटियल नर्व करती है। फिर से मसल्स का नाम देखें, ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मीडियस, ग्लूटियस मिनिमस, तीन होगी 3G, ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मीडियस, ग्लूटियस मिनिमस, ठीक है। उसके बाद है पी से बन गया पायरीफॉर्मिस। उसके बाद है 2G, गैमेलस सुपीरियर, गैमेलस इंफीरियर। उसके बाद है ओ, ऑब्ट्रेटर इंटरनस। फिर बीच में एक आ गया क्यू, क्यू मतलब क्वाड्रेटस फेमोरिस। फिर एक और ओ, ऑब्ट्रेटर एक्सटर्नस। और लास्ट में है टी, जिससे बन गया टेंसर फेशिया लेटा, और उसकी नर्व सप्लाई होगी। अब बच गई ये दोनों, गैमेलस सुपीरियर और गैमेलस इंफीरियर। इसमें मैंने क्यों छुड़वाया, इसलिए छुड़वाया क्योंकि जो गैमेलस सुपीरियर है उसको सप्लाई करता है नर्व टू ऑब्ट्रेटर इंटरनस। नर्व टू ऑब्ट्रेटर इंटरनस सप्लाई करता है गैमेलस सुपीरियर को, यही नर्व गैमेलस सुपीरियर को करता है। और नर्व टू क्वाड्रेटस फेमोरिस जो है ये सप्लाई करता है गैमेलस इंफीरियर को। तो गैमेलस सुपीरियर को ऑब्ट्रेटर इंटरनस, गैमेलस इंफीरियर को नर्व टू क्वाड्रेटस फेमोरिस, ठीक है, यही सप्लाई करती है। तो इस तरह से आप याद कर लेना इनको। अब बात करते हैं इनके एक्शन की। तो एक्शन की बात करें, एक्शन के लिए मैं यहां पे इसको रख रहा हूं बिल्कुल इनके नाम के आगे। एक्शन की बात अब हम करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे ग्लूटियस मैक्सिमस की। तो ग्लूटियस मैक्सिमस की अगर हम बात करें तो इसका एक्शन क्या है, इसके बहुत सारे एक्शन है। सबसे फर्स्ट ये है चीफ एक्सटेंसर ऑफ हिप जॉइंट, चीफ एक्सटेंसर ऑफ थाई
एट हिप जॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ? एक्सटेंशन थाई की हो रही है, लेकिन कौन से जॉइंट पे एक्सटेंशन हो रही है? हिप जॉइंट के ऊपर इसकी एक्सटेंशन हो रही है, थाई की। कौन करा रहा है? ग्लूटियस मैक्सिमस। एक्सटेंशन वाली जो मूवमेंट है उसमें हेल्प करता है ग्लूटियस मैक्सिमस। उसके अलावा हेल्प करता है किसमें? सेकंड है वो है ये लेटरल रोटेशन ऑफ थाई। लेटरल रोटेशन ऑफ थाई मतलब मान लो ये मेरी थाई है, ये इसको लेटरली रोटेट कराएगा। कहाँ पे? हिप जॉइंट पे। दोनों मूवमेंट हिप जॉइंट पे ही हो रही है, लेटरल रोटेशन ऑफ थाई भी हिप जॉइंट पे होगी। उसके अलावा कराता है एबडक्शन ऑफ थाई। थाई की एबडक्शन भी करा रहा है, मतलब थाई को बाहर की तरफ लेके जा रहा है। बाहर वाली मूवमेंट को कहते हैं एबडक्शन। तो एबडक्शन ऑफ थाई में भी हेल्प करते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपर फाइबर्स। तो बाय अपर फाइबर्स, अपर फाइबर्स जो है ग्लूटियस मैक्सिमस के, वो हेल्प करते हैं एबडक्शन में, लोअर फाइबर्स नहीं करेंगे। तो ये किसकी बात कर ली? ग्लूटियस मैक्सिमस की। उसके बाद नेक्स्ट जो दो हैं, इन दोनों का फंक्शन सेम होता है, मीडियस और मिनिमस का सेम फंक्शन होता है। तो इसकी बात करें, अब बात करेंगे किसकी? मीडियस और मिनिमस की। तो मीडियस और मिनिमस क्या कराते हैं? ये पावरफुल एबडक्टर्स ऑफ थाई हैं। क्या है ये? दूसरे कलर से मैं लिखता हूं, पावरफुल एबडक्टर्स ऑफ थाई। देखो एबडक्शन ऑफ थाई कराई थी ग्लूटियस मैक्सिमस ने भी और ये भी, लेकिन मेन जो एबडक्शन मूवमेंट है वो कौन कराते हैं? मीडियस और मिनिमस। पावरफुल एबडक्टर ऑफ थाई है ग्लूटियस मीडियस और ग्लूटियस मिनिमस, और ये जो है मीडियल रोटेशन भी कराते हैं। तो पहला ये हो गया, दूसरा जो इनका काम है वो है मीडियल रोटेशन। ये क्या करा रहा था? लेटरल रोटेशन, लेकिन ये कराते हैं मीडियल रोटेशन ऑफ थाई, थाई की मीडियल साइड में रोटेशन। कौन से फाइबर्स कराते हैं? सिर्फ और सिर्फ एंटीरियर फाइबर्स जो है वो इसमें हेल्प करते हैं, पोस्टीरियर फाइबर्स नहीं कराएंगे, सिर्फ और सिर्फ एंटीरियर फाइबर्स। अब नेक्स्ट चलते हैं हम पायरीफॉर्मिस पे। पायरीफॉर्मिस जो है इसका अकेला कोई फंक्शन नहीं है। पायरीफॉर्मिस से लेके हम नीचे जाते हैं ऑब्ट्रेटर एक्सटर्नस तक। तो हमने ऊपर वाली तीन की बात अलग से कर ली, अब पायरीफॉर्मिस से लेके ऑब्ट्रेटर एक्सटर्नस की बात करें। पायरीफॉर्मिस से ऑब्ट्रेटर एक्सटर्नस इनका फंक्शन होता है सेम। कितना इजी हो गया याद करना, सबका फंक्शन एक ही है, पायरीफॉर्मिस से ऑब्ट्रेटर एक्सटर्नस। इसलिए मैंने कहा था सीक्वेंस में याद करना, ताकि हम इस तरह इनको लिख पाए और याद कर पाए। तो इनका फंक्शन है लेटरल रोटेशन ऑफ थाई एट हिप जॉइंट। हिप जॉइंट पे ही मूवमेंट होगी थाई की, तो लेटरल रोटेशन ऑफ थाई एट हिप जॉइंट। देखो ये मीडियल रोटेशन करा रहा था, ऊपर से चलते हैं, सबसे ऊपर लेटरल रोटेशन ऑफ थाई कौन करा रहा था? ग्लूटियस मैक्सिमस। फिर मीडियल रोटेशन कौन करा था? मीडियस और मिनिमस। फिर से लेटरल रोटेशन आ गया यहां पे, इन सब के अंदर लेटरल रोटेशन हमें याद करना है, लेटरल रोटेशन ऑफ थाई, ये सब पायरीफॉर्मिस से ऑब्ट्रेटर एक्सटर्नस, यही याद करना है। लास्ट जो बच गया वो है टेंसर फेशियल एटा। इसका इसके भी बहुत दो तीन काम होते हैं। सबसे पहला काम, एक तो ये एबडक्टर है, ठीक है, दूसरा ये मीडियल रोटेटर है, तीसरा ये एक्सटेंसर है। ये देखो एबडक्टर और मीडियल रोटेटर तो कहां पे है? थाई का। और एक्सटेंसर कहां पे है? ऑफ हिप जॉइंट, ऑफ नी जॉइंट सॉरी। इस चीज का क्या मतलब हुआ कि टेंसर फेशिया लेटा जो है ये एबडक्शन कराता है और मीडियल रोटेशन कराता है थाई की, और एक्सटेंशन ऑफ कराता है नी जॉइंट की, एक्सटेंशन मूवमेंट कराता है टेंसर फेशिया लेटा। तो ऊपर से देखें, ल्यूटियस मैक्सिमस हमने पढ़ा चीफ एक्सटेंसर था, किसका? थाई का एक्सटेंसर था, ठीक है। ये एक्सटेंसर ऑफ नी जॉइंट है, लेकिन ये एक्सटेंसर ऑफ थाई था ग्लूटियस मैक्सिमस। दोनों में डिफरेंस है, ये हिप जॉइंट पे करा रहा है, वो नी जॉइंट पे करा रहा है। दूसरा लेटरल रोटेशन ऑफ थाई और तीसरा एबडक्शन ऑफ थाई, ठीक है। फिर हमने पढ़ा ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस, ये क्या करा रहे थे? पावरफुल एबडक्शन ऑफ एबडक्टर ऑफ थाई थे और मीडियल रोटेशन ऑफ थाई करा रहे थे इसके एंटीरियर फाइबर्स। फिर ये सब थे पायरीफॉर्मिस ऑब्ट्रेटर एक्सटर्नस, ये लेटरल रोटेशन ऑफ थाई करा रहे थे। टेंसर फेशियल एटा एबडक्शन करा रहा था और मीडियल रोटेशन करा रहा था थाई की और एक्सटेंशन ऑफ नी जॉइंट। तो ये हमने बात कर ली मसल्स ऑफ द ग्लूटियल रीजन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि ग्लूटियस मैक्सिमस के नीचे कौन कौन से पार्ट्स आते हैं।
ग्रेटर साइटिक नोड से कौन कौन सी चीज़ें जाते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें हम बात अगली वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।